प्रदेश भाजपा द्वारा आज यानी 11 अप्रैल को रांची में राज्य सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन के साथ आयोजित प्रोजेक्ट भवन घेराव कार्यक्रम में प्रदेश के गांव-गांव से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम जनता राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ नारों के साथ राज्य सरकार का विरोध करने हेतु झारखंड सचिवालय घेराव करने पहुंच गए हैं और यहां से दोपहर बाद प्रोजेक्ट भवन सचिवालय घेराव के लिए प्रस्थान करेंगे। इस घेराव कार्यक्रम में शामिल होने रांची पहुंचे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सरकार इससे हुई है। ये ऐसे कि पूरे जिले में अपराधियों की चेकिंग के नाम पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है। ये इससे अनुमान लगा सकते हैं कि संथाल परगना के दुमका के सुदूरवर्ती क्षेत्र में आप ये समझिए कि प्रत्येक जिले में अपराधी को चेकिंग के नाम पर चेकिंग चल रही है। वो कल शाम से मुझे कल गोड्डा से देवघर आने में 2 घंटे लगे, उस चेकिंग में मैं भी फंसा। तो आप ये समझ सकते हैं संथाल के सुदूर इलाके में सरकार रोक रही है तो यहाँ भी रोक रही होगी। इसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में आज लोग आएंगे, सचिवालय घेराव करेंगे कि सरकार की चूल हिल जाएगी और यही कारण है कि डर से वो संथाल परगना में भागे। भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है। आप लोगों के बीच में कहना चाहता कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते हम एक नारा लगाते थे कि कश्मीर है पुकारती, पुकारती है भारती, फूल से तिलक करो गोलियों से आरती। आज झारखंड का वही समय आ गया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही समय आ गया है और अब हमारा नारा होना चाहिए कि झारखंड है पुकारती, पुकारती है भारती, फूल से तिलक करो गोलियों से आरती। आज जो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, चाहे गोली चले, चाहे लाठी चले, चाहे कुछ भी हो, हम लोगों को सचिवालय तक जाना है। और यदि सचिवालय आप जाएंगे तो मैं आपसे 2 वादा करता हूं कि 13 तारीख को हेमंत सोरेन के लोकपाल का केस है हाईकोर्ट में, मैं पूरे सोरेन परिवार को जब तक जेल में बंद नहीं कर दूंगा तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। और दूसरा, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है, हमारे लोकसभा चुनाव के बाद केवल 6 महीने का वक्त मिलता है तो हम चुनाव आयोग पर इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो और इसलिए सरकार की जो समय सीमा है वो केवल 6 महीने रहेगी। यही मेरा आपसे वादा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। वहीं भाजपा नेता राकेश प्रसाद ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन वादों पर सरकार आई थी उसमें एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया है। यह आंदोलन हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आंदोलन है, क्योंकि 3 साल पहले जिन वादों पर यह सरकार आई थी उसमें से एक वादा भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया, बल्कि इस सरकार ने लूट भ्रष्टाचार का तांडव मचा रखा है, राज्य का खनन लूट लिया है इस सरकार ने, जनता त्रस्त है और जनता सड़कों पर आ गई है। इसलिए आज का हमारा यह घेराव यह साबित करेगा कि झारखंड यह सरकार 1 मिनट भी इस राज्य का नेतृत्व करने के लायक नहीं। बता दें कि प्रदर्शन को हटाने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया गया था और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।